सिद्ध सिमरिया धाम पहुंचे कमलनाथ व नकुलनाथ। पत्रक पर लिखा श्री राम धार्मिक आयोजन को लेकर कही ये बात। नमस्कार, मैं श्वेता आपका द खबरदार न्यूज में स्वागत करती हूं। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख खबर पर। कांग्रेस नेता कमलनाथ व उनके पुत्र और सांसद नकुलनाथ सिद्ध सिमरिया धाम पहुंचे हैं। इस दौरान उन्होंने संकट मोचन हनुमान जी के श्री चरणों में माथा टेका। कमलनाथ ने कहा कि श्रीराम महोत्सव का आयोजन जिले की धर्म प्रेमी जनता की धार्मिक भावना के आधार पर किया जा रहा है। हमारी धार्मिक भावना है कि जिले में ऐतिहासिक श्रीराम महोत्सव मनाया जाए और प्रभु श्रीराम की कृपा से यह संभव हो पाया है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ व सांसद नकुलनाथ ने आज सिद्ध सिमरिया धाम पहुंचकर संकट मोचन हनुमान जी के श्री चरणों में माथा टेका है। प्रथम पूज्य भगवान श्री गणेश का पूजन करने के पश्चात मंदिर के गर्भगृह में विराजमान समस्त देवी देवताओं के विधि विधान के साथ पूजन अर्चन किया गया एवं सर्व कल्याण की कामना की गई। जिले व नगर की जनता के लिए सुख शांति व समृद्धि के लिए ईश्वर से प्रार्थना की गई। पूजा अर्चना के पश्चात पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ व सांसद नकुलनाथ मंदिर परिसर में मारुति नंदन सेवा समिति के तत्वाधान में आयोजित श्री राम महोत्सव के कार्यक्रम में सम्मिलित हुए, जिसके बाद दोनों ने कार्यक्रम के मंच से पवित्र राम नाम पत्रों के ऊपर 108 बार राम नाम लिखने के उपरांत पत्रक आयोजन समिति के उपस्थित सदस्य को पूर्ण श्रद्धा भाव के साथ सौंपा। पूर्व सीएम कमलनाथ व सांसद नकुलनाथ ने मंच से राम लक्ष्मण जानकी जय बोले हनुमान की का जय घोष लगाया तो उसके साथ ही उपस्थित श्रद्धालु भक्तजनों ने भी जय घोष लगाए। कार्यक्रम के समापन उपरांत उपस्थित भक्तजनों को प्रसादी का वितरण किया गया। मारुति नंदन सेवा समिति के संरक्षक व धर्मानुरागी कमलनाथ व सांसद नकुलनाथ की प्रेरणा से ही जिले में 21 दिवसीय श्रीराम महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। विदित हो कि महोत्सव में पत्रकों पर राम नाम लेखन, राम नाम जाप, भंडारा व राम रक्षा स्वत्रों का वितरण किया जा रहा है। जिला मुख्यालय सहित जिले की सभी विकास खंडों पर कार्यक्रम का क्रम निरंतर जारी है। आयोजन स्थल पर उपस्थित मीडिया कर्मियों ने श्री राम महोत्सव को लेकर किए प्रश्न के प्रत्युत्तर में पूर्व सीएम कमलनाथ ने कहा कि राम काज करने के लिए भी प्रभु श्री राम का आशीर्वाद प्राप्त होना नितांत आवश्यक है। दो धार्मिक कथाएं भी ईश्वर के असीम कृपा से ही संपन्न हुई हैं। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए द खबरदार न्यूज। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने सपनों का घर बना रहे हैं? एपी कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस आपके लिए तैयार है। मजबूत सिविल इंजीनियरिंग से लेकर आकर्षक वास्तुकला और विशेषज्ञ वास्तु परामर्श तक हम आपके सपने को साकार करते हैं। वास्तुकला, वास्तु और हुनर इतने बढ़िया, दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपने घर के डिजाइन को चमकाएं। प्लीज विजिट द माउंटेन कैफे एंड बेकरी फॉर फास्ट फूड नियर बाय सोहागी बाईपास।